मेरे नेट में थोड़ा इश्यू हो रहा है शायद। हो गया मैम, रिकॉर्डेड हो गए। हाँ आ रहा है? ओके गुड। आज तो आपका नंबर भी ज्यादा है, गुड टू सी। आप सब अपना चेहरा दिखाओ एक बार पहले मुझे। एक साथ तो दिखाओ सारे, आप भी एक दूसरे को देखो, दैट यू आर फ्रॉम द सेम बैच। किसी को पता ही नहीं पीछे कौन है। Can you drink something? गुड। और बाकी लोग? आज की आपकी स्ट्रेंथ कितनी है? गुड। मैम के मैसेज का असर आया है लगता है। 16। और मे बी कुछ बच्चों का शायद मिस हो गया होगा। आपके साथ शेयर नहीं हुआ क्या मेल रिगार्डिंग लिंक एंड ऑल? मे बी बिकॉज ऑफ दैट ऑल्सो। ओके ठीक है। नाउ विल स्टार्ट। हाँ बोलिए सहेरा। नो मैम, नथिंग, जस्ट माय बेबी, तो हुआ नथिंग ऑल आर अपीयरिंग फॉर डिसेंबर मैम। गवर्नमेंट एग्जाम? रेज योर हैंड। टू ऑफ यू? ओके मैम, हाँ हेलो मैम, हाँ मैम, इज इट कंपलसरी टू सबमिट द डिसर्टेशन प्रोजेक्ट इन दिसंबर? बिफोर दिसंबर कैन वी सबमिट इन जुलाई और नेक्स्ट टाइम? व्हाट डिसर्टेशन प्रोजेक्ट नो, डिजर्टेशन? आई डू डू यू हैव लाइक डिजर्टेशन इज डिफरेंट एंड प्रोजेक्ट वर्क इज डिफरेंट, दे आर नॉट द ओके सेम ओके, असाइनमेंट राइट? एंड प्रोजेक्ट इज सेम हो? हाँ असाइनमेंट एंड प्रोजेक्ट इज सेम? नो नो, असाइनमेंट इज डिफरेंट, देन वन प्रोजेक्ट इज डिफरेंट एंड डिजर्टेशन इज डिफरेंट, दैट इज इन सेकेंड ईयर आई सपोज डिजर्टेशन। डू यू हैव दिस ईयर? इन माय एलएमएस पोर्टल आई हैव दिस ईयर, इट इज देयर। या कैन यू शेयर द स्क्रीनशॉट जोश इन द ग्रुप, व्हाट एवर कोर्स इज देयर? Currently, I am logged in where in other device. Now I नो can't. लेटर ऑन, नॉट Okay, नाउ। okay. यू कैन डू, कैन यू शेयर इट इन ग्रुप? I will share. आई विच बैच यू आर? January 2023. Fine, then it must be same for all. So please Okay. share that because nobody has idea about that. Please share that. मैम Okay, क्या ma'am. शेयर करना है बता Okay, thank you, दीजिए। ma'am. I will share. डेजिटेशन भी बोल रहे मैम हैं, क्या? ये है फर्स्ट ईयर में, तो एक बार वो चेक कर लेंगे ना, तो फिर बता कौन कौन से कोर्सेज हैं, तो हमें ज्यादा अच्छी क्लैरिटी हो जाएगी, फिर उस हिसाब से हम आगे का प्रोसेस कर सकते हैं। मैम एलएमएस में आप सिर्फ सारे प्रोजेक्ट एम वर्क ही दिखा था एआरडी मैंने, के ही हो ना? मतलब पीजीडीआरडी का तो कोई नहीं है ना यहाँ? एमएआरडी से मैम। ओके ओके ठीक। ओके टुडे सेशन इज अबाउट सोशल चेंज, सो आई वांट मोर ऑफ अ डिस्कशन फ्रॉम योर साइड। व्हाट इज सोशल चेंज? प्रेजेंटेशन तो मैं दिखाती हूँ तो मुझे समझ नहीं आता वेदर समवन इज लिसनिंग और नॉट, क्या चल रहा है। आज मैं चाहती हूँ कि आप पहले आप अपनी तरफ से ऐड करिए प्रेजेंटेशन, तो वी कैन जस्ट गो थ्रू वंस। बट व्हाट इज सोशल चेंज, व्हाट डू यू मीन बाय दैट? आपने से कुछ ने पढ़ा है जो दिसंबर में देने वाले हैं एग्जाम? प्लीज आंसर, मैम डजेंट मैटर सोशल, वेदर यू आर राइट और रॉन्ग, कोई फर्क नहीं ओके पड़ता है, जवाब दीजिए। मैम, जैसे मैम सोशल चेंजेस रहने को लेकर के या पढ़ने या शिक्षा किस फील्ड का बताया जाए, मतलब क्या बोला? सोशल चेंजेस रहने को लेकर के या फिर किसी किसी एस्पेक्ट में बताना है, इन विच एस्पेक्ट, क्या किस होता एस्पेक्ट में है बताना है सोशल सोशल? चेंज? सोशल चेंज आप किसको बोलते हैं, क्या होता है सोशल चेंज? ओके okay. जैसे मैम सोशल चेंजेस जिस समाज में हम रहते हैं, हाँ जैसे मान लीजिए हम अभी 30 साल के, तो मैंने लगभग 3 तरीके के रहने के तरीके देखे। पहले मड़हा में रहते थे जो बनता था अलग से,
उसके बाद हाँ मिट्टी के घरों में रहते थे, अब जो है कि जो लिंटर का ईंटों का घर होता है। ओके, मतलब पिछले 30 सालों में हमने चेंजेज अपने गांव और घरों में देखे, तो ये एक तरीके का सोशल चेंजेज है रहने के तरीके का। यस, ये भी एक तरह या का सोशल चेंज है, हाँ, मतलब मतलब रहने के तरीकों में परिवर्तन आया है। हाँ, हाँ, मतलब दूसरा टाइम जैसे वो के साथ कुएं, चीजें बदलती जाती हैं, सोशल चेंज हाँ, हुआ, बिल्कुल जैसे जैसे सही। हमारे गांव में पहले कुएं से पानी पीते थे, फिर कुछ समय बाद नल आया, अब हर घर जल के मिशन के थ्रू गांव में भी टैप वाटर देने की सुविधा दे रहे हैं, समझ रहे। हाँ अब बोल रहे हैं कि कोई कुआ मतलब कोई नल नहीं करेगा, क्योंकि टैप वाटर सरकार के थ्रू एक ही जगह से आएगा, ऐसे पानी बर्बादी बचत होगी। तो पीने के पानी, हमने 3 तरीके के स्टेज चेंजेस देखे जो पिछले समय में देखे, मैंने सोशल चेंजेस एक तरीके से। वेरी गुड, एंड स्पेशली आपने अगर रूरल कॉन्टेक्स्ट में बताया है तो हमारा पूरा चैप्टर ही रूरल डेवलपमेंट के ऊपर है, और बहुत हाँ अच्छा जी, एग्जाम्पल है ये घर घर जल योजना एंड ये सारे योजनाएं जो है, ये सॉर्ट ऑफ सोशल चेंज ही है हमारे यहाँ। पहले कहाँ दूर दूर से पानी लाते थे, अब घर घर में पानी है, तो लकड़ी के चूल्हे पे खाना बनाते थे, आज गैस है घर घर में, तो सब हाँ जी मैम, चेंज पहले है। मिट्टी लकड़ी से, फिर मिट्टी का तेल आता था बाद में, तो मिट्टी के तेल भी बंद हो गया, अब तो गैस आ गया है। तो हाँ। लगभग 3 तरीके के, मैंने लगभग पिछले 30 सालों में हर तरीके से 3 चीजें परिवर्तन देखे मैंने। वेरी गुड वेरी गुड, आई'ल क्लैप वन मोर बेस्ट एग्जांपल मैम, फॉर यू। वन मोर बेस्ट एग्जांपल अबाउट दिस मीटिंग मैम, एर्लियर वी नेवर थॉट वी कैन अटेंड मीटिंग्स लाइक दिस, दिस इज आल्सो वन ऑफ द बेस्ट सोशल चेंजेस। यस, वी आर अटेंडिंग ऑनलाइन मीटिंग्स ऑन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, अदरवाइज इट वॉज कंपल्सरी इवन टिल लास्ट ईयर। आई यूज टू टेक क्लासेस ऑन एट सेंटर ओनली, नॉट ऑनलाइन मोड में, सो नाउ दिस इज अगेन अ सोशल चेंज, एंड दिस रिजल्टेड वाई दिस द मोर ऑनलाइन थिंग्स ड्यू टू टेक्नोलॉजी ऑल्सो एंड कोरोना ऑल्सो एडेड टू इट। So we have different top like points under which it all will be covered. So these are the social change which resulted from different because of different reasons, you can say. मैम, Anything else? एजुकेशन Any फील्ड other में मैम things? देखे तो, एक्चुअली मैम एजुकेशन फील्ड में अगर देखे चेंजेस को सोसाइटी के संदर्भ में, हाँ। तो पहले फेस टू फेस पढ़ते थे, फिर ODL आया 2020 के बाद, ऑनलाइन मोड आया, तो अभी एक तरीके के जो लर्निंग का कंसेप्ट है वो भी बदला 3 तरीके से। Yes. और आज आप हर देश के अलग अलग जगहों से आप जब एक प्लेटफॉर्म पे कनेक्ट हुए हुए हो, मैं कहीं और बैठ के आप सबसे बात कर रही हूँ, तो ये सारा सोशल चेंज ही है, धीरे 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 चेंज होता गया है, एक कुछ फास्ट होता है कुछ स्लो होता है, बट सोशल चेंज ही है। वेरी गुड अनीता एंड अजय, एनीवन मोर एल्स कुछ भी ऐड करिए जो आपको लगता है आपके पॉइंट ऑफ व्यू से इट्स अ सोशल चेंज। मैडम, पहले गांव में हम स्टडी करते थे तो जो केरोसिन रहता है, केरोसिन के सहारे हम स्टडी करते थे। हाँ अभी गांव में अक्षय प्रकाश योजना आ गया, अक्षय बोले तो उसमें 24 घंटा लाइट रहता हाँ है। उसके बाद हम जब स्कूलों में पढ़ाई करते थे तो हम पेड़ के नीचे पढ़ाई करते थे। अभी स्कूल अच्छा आ गया, उसको दीवारी है, वॉल है, स्लैब है। उसके बाद यस जो भी मेरे दोस्त ने बताया, पानी भी हम बहुत दूर से लाते थे, 2-2 किलोमीटर से माथे के ऊपर पानी लाते थे। अभी क्या हो गया, जल जीवन मिशन के कारण वो हर घर वो नल टैब आ गया। उसके कारण एटलीस्ट 8 दिनों में कम से कम एक बार तो भी पानी आता है, और पीने लायक पानी आता है। और पानी उसके बाद जो सड़कें है, वो सड़कें भी बहुत अच्छी तरह से डेवलप हो गई। पहले मट्टी का रहता था, वो वाटर बाउंड मैकेडम बोलते, वो रोड रहता था। अभी हर कंक्रीट कंक्रीट हो गया। उसके बाद दिया बत्ती की जो फैसिलिटी रहती थी, दिया बत्ती यानी तो रास्ते के ऊपर बिजली रहने, रात के टाइम, वो भी एक नया चेंज आ गया, वो नहीं था पहले। उसके बाद जो हेल्थ फैसिलिटी है वो भी नहीं था गाँव में, पिछले 10 साल में गाँव में वो भी हेल्थ फैसिलिटी आ गया। यानी ये बहुत सारे ऐसे चेंजेस होने लगे। जो महिलाएं के स्वयं सहायता बचत गढ़ बोलते हैं हमारे इधर, महिलाओं हाँ का ग्रुप रहता है, वो सेविंग करते हैं, उसके थ्रू कुछ प्लानिंग करते हैं, प्रोजेक्ट बनाते हैं, कुछ नया मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, बेचते हैं,
यानी वो एक कंपनी चलाते हैं, ऐसे ऐसे बहुत सारे ग्रुप्स गांव में अभी तैयार हो गए। यानी एक हम सोशल चेंज बोल सकते हैं, जो महिलाएं आगे आई इसमें। हाँ, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स। तो पहले महिलाओं का मतलब एक टाइम था जब दुर्गा माँ की बात करते हैं हम, इतने आप पार्वती जी की बातें करते हैं तो कितना अब उनका वो था। फिर धीरे 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 पर्दा और ये वो दुनिया जहान की चीजें लाइक औरतों का, तो आज उनके सोशल स्टेटस में बहुत चेंज आ गया है। वो भी काम कर रहे हैं मेल के साथ, कंधे से कंधे, आर्मी में उनको एंट्री मिल गई, एयरफोर्स में उनको एंट्री मिल गई, जहाँ पे वो लोग अब वही नहीं कर रहे हैं, लाइक दे आर कमांडिंग द बटालियंस, वो लोग कमांड कर रहे हैं। तो ऐसे ऐसे पूरे सोशल चेंज आया है अलग अलग चीजों में, या जो इनइक्वालिटी थी रिच एंड पुअर के बीच में, लाइक दलित्स एंड ऑल वो जो बोलते थे, अब उन इक्वालिटी है सोसाइटी में, उस तरह की इनइक्वालिटी देखने को नहीं मिलती है। तो ये धीरे धीरे विद टाइम सोशल चेंजेस आते गए हैं। एनीथिंग एल्स? ओके, सो मूविंग ऑन टू नेक्स्ट थिंग। क्यों इसके कैरेक्टर्स क्या होते हैं सोशल चेंज के? हर इंसान की जैसे एक कैरेक्टर है, ये लंबा है, ये गोरा है, ये काला है, इसका ये बोलने में बहुत अच्छा है, वैसे सोशल चेंज के भी तो कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, क्या होते हैं? कोई भी, कुछ भी, कोई फर्क नहीं पड़ता है सही या गलत, प्लीज। हाँ बोलिए विलास। आपका आवाज नहीं आ रहा था, क्वेश्चन नहीं समझ पाए हम। आवाज नहीं आ रही मेरी, अब आ रही है क्या? अब आ रही है। मैं पूछ रही थी, जैसे हर किसी का कैरेक्टर होता है, लाइक आपका हर इंसान का एक कैरेक्टरिस्टिक्स होता है कि ये लंबा है, गोरा है, ये बोलने में अच्छा है, ये कॉन्फिडेंट है, उस तरह से सोशल चेंज के भी तो कैरेक्टर होते कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, तो क्या होते हैं सोशल चेंज, कैसा होता है? मैम, सोशल चेंजेस के आप करेक्टरिस्टिक के बारे में अगर पूछना चाह रहे हैं, मैं अपने हिसाब से बताना चाह रहा हूँ कि जो चेंजेस होते हैं एक तरीके से हैबिट्स होते हैं। जैसे कि हम किसी चीज़ को अडॉप्ट करना चाहते हैं चेंजेस की तरह में, तो आज के संदर्भ में हम देखते हैं कि वो सस्ता है कि नहीं, समझ रहे बात की। जैसे मान लीजिए हमने मिट्टी के तेल से गैस की तरफ ट्रांसफर हुए, तो एक तरीके से जोड़ते हैं कि क्या कम्युनिटी फायदा होगा कि नहीं। जैसे बिजली से अगर हम सोलर पैनल को लगवा रहे हैं, तो एक जोड़ के देखेंगे कि क्या ये हम आदत अगर नहीं पकड़ रहे हैं तो क्या वो मेरे को फायदा होगा या नहीं। तो पहला होता है इकोनॉमिक चीजों को ध्यान रखते हैं, जो मुझे लगता है। दूसरी चीज है, जो नई पीढ़ी होती है वो नई चेंजेस को स्वीकार करती है और एक्सेप्ट करना चाहती है कि क्या हम एक नया चीज करेंगे, पुराने रूढ़ी वादे तरीके से नहीं चलेंगे। तो मुझे लगता है दो चीजें है उसकी करेक्टरिस्टिक। तो क्या बताइए, सोशल चेंज प्रोसेस, एज अ प्रोसेस अगर मैं पूछती हूँ, किस टाइप का प्रोसेस है? इज इट अ कंटिन्यूअस प्रोसेस या बस एक बार हुआ खत्म, ऐसा होता है तो क्या? इट्स कंटिन्यूअस प्रोसेस मैम, इट हैज टू चेंज कंटिन्यूअसली, इट्स यस, द मेन द कैरेक्टर। रेट कैन बी स्लो और फास्ट, बट द प्रोसेस इज कंटिन्यूअस, थिंग्स कीप्स ऑन चेंजिंग डिपेंडिंग ऑन कल्चर टू कल्चर, डिपेंडिंग ऑन पर्सन टू पर्सन, बट थिंग्स कीप चेंजिंग, कीप इवॉल्विंग, मे बी इट इज स्लो और फास्ट, बट इट इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस, लाइक ह्यूमन ग्रोथ डेवलपमेंट ऑल्सो, इट इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। एक छोटा बच्चा पैदा लेके वहीं पर स्टॉप नहीं होता, बढ़ता है बढ़ता है बढ़ता है, धीरे होगा लेकिन बढ़ता है। ओके, नाउ सेकेंड पॉइंट, जैसे ये एक पॉइंट हुआ सोशल चेंज का, कैन एनीवन ऐड? मैम दूसरा चीज मैं बताना चाहूंगा, जैसे कि लर्निंग मतलब जो आदमी जीवन भर सीखता रहता है, मतलब ऐसा कभी नहीं कि वो सीखता नहीं, चाहे वो पढ़ा हो या ना पढ़ा हो। जैसे हमारे पास पिताजी मान लीजिए ऑटो चलाते हैं मुंबई में, तो कोई चीज सीखेंगे तो यहाँ पे आके बोलेंगे गाँव में ये चीज करो तो अच्छा रहेगा। कोई चीज पढ़ने के बारे में हो गया, रहने के बारे में हो गया, फिर घर में कोई चीज सामान का हो गया। जैसे अभी हमने सुना कि जो आटे वाली मशीन होती थी, पहले मम्मी लोग आटे पीसती थी, वो पत्थर होता था, ठीक है, लेकिन अब वो मार्केट में आ गया, मशीन से भी पीसा जा सकता है, समझ रहे। तो कुछ होता है लोग बाहर से भी सीखते हैं, उसको भी इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं दूसरे जगह से, वो भी एक मतलब चेंजेस का एक करेक्टरिस्टिक्स है कि नई चीजें